यस मैम। क्वेश्चन नोट करो, शो दैट एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड प्लस वन इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी। देखो जब भी z इक्वल टू इंफिनिटी पे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, z इक्वल टू इंफिनिटी यानी कि अगर हम 1 अपॉन z इक्वल टू 0 बोल दें, एक ही बात है, सॉरी 1 अपॉन z को z इक्वल टू इंफिनिटी पे फंक्शन पूछा है, तो अगर हम f ऑफ 1 बाई z को चेक करें एट z इक्वल टू 0, बात सेम ही है, ठीक है। या तो सीधे z को इंफिनिटी करके चेक कर लो, या फिर क्या करो z की जगह 1 बाई z पुट कर दो और 1 बाई z में z को 0 पे चेक कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी इंफिनिटी पे पूछा जाता है, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इंफिनिटी पे ना चेक करके फंक्शन में क्या करते हैं, z की जगह 1 बाई z पुट करते हैं एंड z इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं कि फंक्शन एनालिटिक आएगा या नहीं आएगा। तो कर लो चेक, एफ जेड दे रखा है जेड अपॉन जेड प्लस वन, एफ वन बाई जेड कितना हो जाएगा, वन अपॉन जेड वन बाई जेड प्लस वन विच इज वन अपॉन वन प्लस जेड, ठीक है। अब ये देख लो कि ये जेड इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, z इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन, डिफरेंशिएबल है ये z इक्वल टू जीरो पर, इसको दिक्कत कहाँ होगी, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा एट z इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि उसी पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये जीरो पर तो इससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सिंपल पॉलिनोमियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ वन बाई जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो एंड इट्स नेबरहुड पॉइंट, हेंस फंक्शन f of 1 by z is analytic at z equals to 0, which implies fz is analytic at z equals to infinity. Clear? Eh? एक इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, यूज सी आर इक्वेशन टू शो दैट एफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब इज एनालिटिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो या तो ये हो गया क्वेश्चन, या सीधे से पूछ सकता है यूज सी आर इक्वेशन टू शो दैट एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब इज एन एंटायर फंक्शन, ये भी सीधे से बोल सकते हैं, एनालिटिक इन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल दो या सीधे डायरेक्ट एंटायर फंक्शन बोल दो, एक ही बार। ठीक है, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट
f z equals to z bar is not differentiable at z equals to 0 and it is nowhere analytic. Show that f z equals to z bar is not differentiable at z equals to 0 and it is nowhere analytic. CR इक्वेशन का यूज करके कर सकते हो इसे. U की वैल्यू क्या है x एंड v है हमारा माइनस y. ठीक है, तो डेल u ओवर डेल x निकाल दो, ये कितना आ जाएगा 1. डेल यू ओवर डेल वाई आ जाएगा 0. डेल वी ओवर डेल एक्स 0. डेल वी ओवर डेल वाई माइनस 1. तो सी आर इक्वेशन क्या कहती है, बाय सी आर इक्वेशन वी हैव यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स. ठीक है, तो यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स ये वाली तो होल्ड कर रही है, बट ux क्या है हमारा 1 है एंड vy है हमारा माइनस 1. ये होल्ड नहीं कर रही, ये कब होल्ड करेगी, कभी भी नहीं. 1 कभी भी माइनस 1 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता. ठीक है, विच इंप्लाइज fz इज नोवेयर एनालिटिक. क्योंकि सी आर इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम सीधे बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नोवेयर डिफरेंशिएबल या फिर नोवेयर एनालिटिक. ठीक है, अच्छा सेकंड मेथड इसका सी आर इक्वेशन की जो दूसरी फॉर्म थी मैंने बताया था डेल एफ ओवर डेल जेड बार एट जेड बार इक्वल टू जीरो, या फिर सीधे से बोल दो लिमिट जेड बार टेंड्स टू जीरो. ये अगर जीरो आ रहा है तब तो डिफरेंशियबल है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो डिफरेंशियबल नहीं है. ठीक है, और एफ जेड हमारा क्या है यहाँ पे जेड बार है, तो डेल एफ ओवर डेल जेड बार कितना आ रहा है, जेड बार का जेड में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1. तो ये वैल्यू तो क्या आ रही है 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक, हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था. कोई भी नॉन जीरो नंबर आ गया व्हिच इंप्लाई फंक्शन इज नोवेयर एनालिटिक. एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल है, ये सीआर इक्वेशन की ही दूसरी फॉर्म है, कोई अलग से एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक नहीं है. ये भी यूज कर सकते हो एक्स वाई में ब्रेक करके या डायरेक्ट जेड बार के टर्म में भी कर सकते हो. मैंने दोनों तरीके से बता दिया जो तुम्हें सही लगे. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और पूछी हुई है, हमें ये भी चेक करना था कि जेड फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशियबल है एट जेड इक्वल टू जीरो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. तो उसके लिए सिंपल जो प्रॉपर डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, एट जेड इक्वल टू जीरो एफ डैश एट जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो f of 0 plus del z minus f of 0 upon mein del z. ये क्या आ जाएगा, limit del z tends to 0 f of del z
यानी कि डेल जेड बार हो जाएगा माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो आ जाएगा अपॉन में डेल जेड। ठीक है, अब अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस देख लो, जेड बार और जेड को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिख दो। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई टेंड्स टू जीरो, क्योंकि आगे डेल लगा हुआ है इसलिए हम इसमें भी डेल लिखेंगे। डेल जेड बार हो जाएगा डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन में डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस देख लो, एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो क्या करेंगे, जो वाई वाला टर्म है वो जीरो, तो ये क्या आ जाएगी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स विच इज वन। ठीक है, और अलोंग वाई एक्सिस देख लो, ये आ जाएगी लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो एक्स वाले टर्म जीरो हो जाएंगे माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन में आयोटा डेल वाई, ये आ गया माइनस वन। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही हमारी लिमिट जब अलग आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू जीरो। इज दैट क्लियर? एक बार प्रीवियस पेज दिखाना एक मिनट। थैंक यू मैम। मैम तो z के लिए कभी भी हो तो मैम पहले उसको एक्सपेंड करके फिर ही मैम ऐसे सॉल्व करना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट भी अगर हो रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके मैम, एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड हैं। तो देखो, लाइन के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हो, एक्सिस के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हो। लाइन तुम ले लो y equals to mx, उसके थ्रू भी अप्रोच कर सकते हो, वो भी ठीक होगा। ठीक है, नहीं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लो, सर्कल के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं हम किसी पॉइंट पर, वो भी ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पे कोई सा भी चूज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर सब में सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन पी सच दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टैन इनवर्स पी एक्स अपॉन वाई इज एनालिटिक। की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी हो सकता है। एफ जेड हमें दे रखा है, ठीक है, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स पी एक्स अपॉन वाई। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स प्लस आयोटा वाई के टर्म में है, सॉरी यू प्लस आयोटा वी, तो देख लो यू क्या है यहाँ पे, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी है टैन इनवर्स पी एक्स अपॉन वाई। ठीक है,
सीआर इक्वेशन का यूज करो और देख लो कहाँ पे इक्वल आ रही है, इक्वल पुट कर दो, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालो कितना आ रहा है, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ऐसे ही डेल यू ओवर डेल वाई आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर डेल वी ओवर डेल एक्स निकालो, डेल वी ओवर डेल वाई निकालो, और फिर सी आर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना, ये फाइंड करो पी की वैल्यू क्या आ रही है। यही आ रहा है सबका, यस मैम। अपपुट कर दो यूजिंग सी आर इक्वेशन। फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन क्या होगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराएगा, यानी कि यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ठीक है, पुट कर दो। यू एक्स हमारा था एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी वाई है हमारा माइनस पी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सेकेंड में भी पुट कर दो, यू वाई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई पी अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से पी की वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है, इधर एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से ये वाई कैंसिल। हम नीचे वाले से पी कॉमन, नीचे किसमें से, नो मैम वो मैंने ऊपर अब पी को ऐसे नीचे से लेके कट कर दिया था, फिर अपॉन में आ रहा था पर। अच्छा ये माइनस पी एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, पूरे को ही ले जाते हैं और पी कॉमन ले लेते हैं, एक काम ये भी कर सकते हैं,
यू वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स था ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। हाँ अब ठीक है, काम करो ना, इसको डायरेक्ट ही कंपेयर कर दो। ये आ रहा है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा दोनों तरफ सेम आ रहा है क्या? मैम राइट वाले में माइनस नहीं आएगा मैम? इधर यस मैम। ओके नहीं, यू वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स है ना, माइनस तो मैम। आएगा। ये तो दोनों इक्वेशन सेम ही आ रही है। मैम राइट वाले में सिर्फ बाई आ रहा है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में वाई, वो तो इधर शायद से से बाईस कैंसिल हो गया है ना, मैम यू इधर बाई दोनों बाई स्क्वायर नहीं गया, बाई स्क्वायर हो शायद। y स्क्वायर। नहीं, 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, वो तो डिफरेंशिएट करके यही आ रहा है। दोनों इक्वेशन सेम ही बन रही है, इसी को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर। अरे हो तो गया, ये +y स्क्वायर। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो और p की वैल्यू निकालो यहाँ से। इसमें से p x स्क्वायर कॉमन ले लो इन दो टर्म्स में से, अंदर बच जाएगा p+1। ठीक है, और इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो y स्क्वायर, तो यहां से p मल्टीप्लाई होके ये भी बच जाएगा p+1। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा है। एक फैक्टर बन गया px2 + y2, सेकंड फैक्टर बन गया p+1। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ गई, -1। और दूसरी वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी, -y² / x²। तो अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो p = -1 हम लेंगे। हमारा फंक्शन क्या होगा इन दोनों वैल्यूज के लिए, वैसे तो एनालिटिक होगा। -y² / x² भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं। एफ जेड इज एनालिटिक फॉर p = -1। ये हो गई पर्टिकुलर वैल्यू एंड p = -y² / x² सबकी यही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड
फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू टू एक्स प्लस आयोटा एक्स वाई स्क्वायर. इसको ट्राई करना खुद से. अब एक काम करो, मीटिंग एंड होने वाली है तो मैं एंड कर रही हूँ, रीज्वाइन करो.